मानसी राठौर डिजना हलचल में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं नगर की प्रमुख हलचलें। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू 12th हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम माँ शारदा कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल ब्राह्मणों का वास धानमंडी रतलाम। आवश्यकता है योग्य अनुभवी प्रशिक्षित शिक्षिकाओं की, संपर्क करें 07412405348। निगम आयुक्त के निर्देश पर कसारा बाजार क्षेत्र में जर्जर मकान गिराने गए निगम अमले के साथ भवन स्वामी ने किया विवाद। माणकचौक थाने पहुंचे निगम अधिकारी, विवाद करने वाले के खिलाफ कराई रिपोर्ट दर्ज। स्वस्थ होने के बाद निगम कार्यालय पहुंचे महापौर प्रहलाद पटेल का निगम नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा, उपनेता प्रतिपक्ष कमरुद्दीन कछवाया के साथ अन्य कांग्रेसी नेताओं ने पुष्प गुच्छ भेंट कर किया स्वागत। शहर विकास एवं वार्डों में रुके हुए कार्यों को लेकर की चर्चा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के मंदिरों एवं हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचार व उनकी जान माल की रक्षा करने की मांग करते हुए राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम श्री सनातन धर्म महासभा ने सौंपा ज्ञापन। साथ ही शहर में रह रहे अवैध रूप से बांग्लादेशियों को शहर व देश से बाहर करने की मांग। अशोकनगर क्षेत्र के समीप निकलने वाले नाले की शासकीय भूमि पर कतिपय लोगों द्वारा किया जा रहा अतिक्रमण। क्षेत्रीय पार्षद सलीम बागवान द्वारा अतिक्रमण की शिकायत करने के बाद निगम आयुक्त ने किया क्षेत्र का निरीक्षण। मौके पर से ही अधिकारियों को अतिक्रमणकर्ताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाने के लिए दिए निर्देश। प्रदेश के सागर में हुए हादसे के बाद निगम आयुक्त भी अलर्ट हो गए थे और उन्होंने रतलाम शहर के जर्जर भवनों को गिराने की कार्रवाई करने के साथ ही अन्य जर्जर भवन स्वामियों को नोटिस जारी करते हुए मकान खाली करने के निर्देश दिए थे। वहीं निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट ने विगत दिवस शहर के जर्जर भवनों का निरीक्षण करते हुए अत्यंत जर्जर हो चुके भवनों को तुरंत गिराने के निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद निगम अमला कसारा बाजार स्थित एक जर्जर भवन को गिराने के लिए पहुंचा, जहां पर भवन स्वामी एवं निगम अधिकारियों के बीच कहा सुनी हो गई और विवाद हो गया। विवाद होने के बाद निगम अधिकारी मानक चौक थाना पहुंचे और वहां पर विवाद करने वाले व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज करवाई। मौके पर मौजूद श्रमिक ने विवाद के बारे में जानकारी देते हुए बताया अंदर निकाल गाड़ी पे ले गया, गाड़ी पे ले गया अंदर वीडियो मैच बना रही। अच्छा, वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे? यहाँ पे काहे के लिए आए थे आप लोग? मकान तोड़ने? हाँ। तो क्या धक्का मुक्की हुई? वीडियो मैच बना रही। अच्छा, आरा खुलाड़ियों वो धक्का देने के वीडियो मैच बना रही। कहाँ लगी, किसी को लगी क्या? लगी। कौन अधिकारी था साथ में? अच्छा, ये कसारा बाजार, ये जो कल मकान देखे गए थे वो वाला? हाँ। अस्वस्थ होने की वजह से महापौर प्रहलाद पटेल पिछले कई माह से निगम कार्यालय नहीं पहुंचे थे। वहीं शहर में हो रहे पार्टी एवं संगठन स्तर के कार्यक्रमों में भी वह नदारद दिखाई दे रहे थे। लंबे समय तक निगम से दूर रहने के बाद महापौर प्रहलाद पटेल निगम कार्यालय पहुंचे और यहां पर अधिकारियों के साथ में अन्य संगठन के नेताओं से मुलाकात की एवं विषय अंतर्गत चर्चा करते हुए नगर विकास को लेकर विचार मंथन किया। निगम नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा महापौर प्रहलाद पटेल के निगम कार्यालय पहुंचने की जानकारी मिलने के बाद निगम नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा, उपनेता प्रतिपक्ष कमरुद्दीन कछवाया, पार्षद प्रतिनिधि हितेश पेमाल, भरत सेन, शाकिर खान, किशन भागिनामा के साथ अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद रहे।
तख्ता पलट के नाम से बांग्लादेश में की जारी हिंसा में सोची समझी साजिश के अंतर्गत अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को वहां पर निशाना बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लोगों के घरों को लूटने, आग लगाना, माता बहनों का अपहरण कर्म जैसी घटनाएं की जा रही है। वहीं हिंदुओं को जिंदा जलाने जैसी घटनाएं भी सामने आई है। इसके विरोध स्वरूप श्री सनातन धर्म महासभा द्वारा महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि से तख्तापलट के नाम से किए जा रहे आंदोलन के दौरान बांग्लादेश में तोड़े जा रहे हिंदुओं के मंदिर एवं हिंदुओं की जान माल की रक्षा करने व माताओं बहनों के अपहरण करने के साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं। उक्त घटनाओं को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा तत्काल कड़े कदम उठाए जाए तथा वहां के सैन्य अधिकारी को कड़े शब्दों में अपना प्रतिकार तत्काल दर्ज करवाते हुए अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोका जाए। साथ ही भारत में अवैध रूप से काफी समय से रह रहे बांग्लादेशियों को तत्काल देश से बाहर निकाला जाए व रतलाम शहर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान कर जिला प्रशासन उनको तत्काल शहर व देश से बाहर करे, अन्यथा अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। जिलाधीश के माध्यम से उपरोक्त मांग का ज्ञापन देने पहुंचे जहां पर नायब तहसीलदार आशीष उपाध्याय द्वारा ज्ञापन लिया गया। इस अवसर पर श्री सनातन धर्म महासभा के अध्यक्ष अशोक सोनी, वरिष्ठ सदस्य गोविंद काकानी, वीरेंद्र वाफगामकर, जनक नागल, डॉक्टर कमल तिवारी, कमल भाटी, ठाकुर राजेंद्र सिंह गोयल, अशोक देवड़ा, अरुण चौड़िया, वरिष्ठ अभिभाषक तुषार कोठारी, अभिभाषक सुभाष जैन, जगदीश चंद्र हरहरिया, गोपाल शर्मा, सतीश भारती, मनोज शर्मा अखाड़ा परिषद, रमेश चंद्र पांचाल, प्रवीण दीक्षित, श्रीमती ताराभन सोनी, वंदना विजय सोनी, रत्नापाल सहित उपस्थित सदस्यों ने बांग्लादेश के असामाजिक तत्वों द्वारा की जा रही हिंदू धर्म विरोधी घटना का कड़े शब्दों में निंदा करते हुए भारत सरकार को जल्द जल्द से तत्काल कार्यवाही करने हेतु मांग की है। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोका जाए, साथ ही भारत में अवैध रूप से काफी समय से रह रहे बांग्लादेशियों को तत्काल देश से बाहर निकाला जाए एवं रतलाम शहर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान कर जिला प्रशासन उनको तत्काल शहर एवं देश से बाहर करे, अन्यथा अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। अब बारी छोटे से ब्रेक की। कैंसर क्यों होता है, क्या हम इसे रोक सकते हैं? भारत में महिलाओं में होने वाला सर्वाधिक कैंसर कौन सा है? कैंसर होने का शक हो तो किन से जांच करवाना चाहिए? स्तन में कैंसर के बारे में जल्द से जल्द पता करने के लिए क्या कोई उपाय है? स्तन में कैंसर के क्या लक्षण हैं और किसको कैंसर होने का खतरा ज्यादा होता है? मेमोग्राफी की मशीन द्वारा क्या स्तन के कैंसर का स्टेज एक में ही पता चलता है? ऐसे ही सवालों के जवाब एवं स्तन संबंधी ऐसी किसी भी समस्या के लिए मिले स्तन रोग विशेषज्ञ सर्जन से डॉक्टर स्मिता शर्मा, स्तन रोग क्लिनिक, श्रद्धा हॉस्पिटल, काटजू नगर, रतलाम। संपर्क करें 8962647737, 920104182।
इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, बिग प्लेग्राउंड, नॉलेज लाइब्रेरी, डिजिटल स्मार्ट क्लासेस, साइंस लेबोरेटरी, योगा ट्रेनिंग, व्हीकल फैसिलिटी, माँ शारदा कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, ब्राह्मणों का वास, धान मंडी, रतलाम। फोन नंबर 07412405348। फोर नर्सरी टू ट्वेल्थ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। आवश्यकता है योग्य अनुभवी प्रशिक्षित शिक्षिकाओं की, संपर्क करें 07412405348। एडवांस डेंटल क्लिनिक एंड एम्प्लांट सेंटर, जहां पर उपलब्ध सुविधाएं सड़े हुए दांतों ताड़ों को बिना दर्द के निकालना, रूट कैनाल ट्रीटमेंट इंपोर्ट कर नए दांत लगाना, बिना दर्द के दांतों की सफाई, पायरिया संबंधी इलाज, दांतों में पक्का मसाला भरना, इम्प्लांट कर फिक्स पत्ती सी लगाना, सभी प्रकार के फिक्स्ड दांत व फोल्डिंग दांत बनाए जाते हैं। चांदी और सोने जैसे दिखने वाले दांतों को सही कर पुनः निर्मित करना, जबड़े के अंदर के दांतों का इलाज, तंबाकू की वजह से मुंह ना खुलने वाली बीमारी का इलाज, दांतों को सफेद करना, अक्कल दाढ़ का बिना निकाले इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज ब्रेसेस द्वारा किया जाता है। दांतों से संबंधित सभी प्रकार के फोटो व एक्सरे किए जाते हैं। दांतों की समस्याओं से निजात पाने के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर पूनम मिश्रा। क्लिनिक संचालन आशुतोष चौहान। पता एडवांस्ड डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, शास्त्री नगर, साकेत अपार्टमेंट, सब्जी मंडी के पीछे वाले गेट के सामने, रतलाम। फोन 400877। अनवरत वर्षा में जीर्ण भवनों से किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित ना हो, इस हेतु कलेक्टर राजेश बाथम के निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट ने मराठों का वास, शहीद चौक व कसारा बाजार स्थित जीर्ण भवनों का अवलोकन कर भवनों में निवासरत किराएदार, रहवासी व भवन स्वामियों को भवन रिक्त करने की समझाइश दी। निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट ने कार्यपालन यंत्री जी के जायसवाल व उपयंत्रियों के साथ शहीद चौक स्थित लोहा बिल्डिंग, कसारा बाजार स्थित भवन क्रमांक 62/1 भवन स्वामी सतीश चंद्र भेरूलाल कसेरा, भवन क्रमांक 61 भूपेंद्र भगवानदास पोरवाल, भवन क्रमांक 63 भवन स्वामी प्रहलाद पुरुषोत्तम व भवन क्रमांक 64 भवन स्वामी घनश्याम विठठल कसेरा, मराठो वास स्थित भवन क्रमांक 11 भवन स्वामी गोपाल पिता धन्नालाल के जीर्ण भवनों का निरीक्षण किया। निगम आयुक्त ने निरीक्षण के दौरान भवन स्वामी व किराएदारों को समझाइश दी कि ये भवन जीर्ण होकर रहने उपयोग नहीं है, है वर्तमान में हो रही अनवरत वर्षा से भवन गिरने से किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, इस हेतु भवनों को तत्काल खाली कर दे। इस पर रहवासी व भवन स्वामियों ने अपनी सहमति व्यक्त की। निगम आयुक्त ने भवन स्वामियों को निर्देशित किया कि किराएदारों को अन्य भवन में स्थानांतरित करवाए। साथ ही निगम आयुक्त ने भवनों को सील करने के निर्देश उपयंत्रियों को दिए। शहर में वर्षा काल के दौरान अनेक ऐसी जगह थी जहां पर जल भराव की स्थिति निर्मित हुई थी, जिसकी मुख्य वजह थी कि जल निकासी की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था नहीं थी। वहीं नालों के किनारे लोगों ने अतिक्रमण कर रखे थे, जिसकी वजह से वर्षा का पानी सीधा अवैध रूप से बने अतिक्रमण कर किए हुए मकान में भर गया और जल भराव होने के बाद लोगों ने निगम को और जनप्रतिनिधियों को कोसना शुरू कर दिया। ऐसा ही एक मामला अशोकनगर के समीप से गुजरने वाले नाले के किनारे देखने को मिला, जहां पर कतिपय लोगों द्वारा नाले की भूमि पर मलवा डालकर भराव करने के बाद प्लाट काटने के साथ मकान का निर्माण कर दिया गया, जिसकी जानकारी क्षेत्रीय पार्षद सलीम सब्जी फरोश ने निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट को दी, जिसके बाद उन्होंने क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए राजस्व अधिकारी को मौके से ही फोन लगाकर अतिक्रमणकर्ताओं के अतिक्रमण हटाने के साथ संबंधित कॉलोनाइजर एवं अन्य अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। नाला वहाँ तक पटवारी को बुलवा लो यार, उसमें सोमवार को हम भी सब कलेक्टर साहब पे जाओगे तो बात कर लेंगे, अपनी टीम बना के और इसमें मतलब सख्त कार्रवाई करो और FIR दोबारा कराओ उसकी जिसने बेच रहा है, तो पुलिस को लेटर लिखो, रिमाइंडर लिखो, नहीं तो ये नाले खत्म हो जाएगा कल को तो बहुत दिक्कत हो जाएगी अपने को, तो दिक्कत तो अपने को होगी ना, फिर बने बना मकान तोड़ने पड़ेंगे, अभी तो ठीक है जितने जैसे बन गए।
है ना, तो सीमांकन का वो है कि उसकी कहाँ से कहाँ तक है उसकी सीमा। रतलाम के शिवगढ़ थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह तालाब में महिला का शव मिला है। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव तालाब से निकालकर रतलाम मेडिकल कॉलेज भेजा। महिला के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, किसके चलते परिजनों ने हत्या की आशंका भी व्यक्त की है। बाजना रोड स्थित गांव जामदा के तालाब में सुबह किसी ने महिला का शव देख पुलिस को सूचना दी। गांव में जब इस बात का पता चली तो बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। शिवगढ़ थाना पुलिस भी पहुंची। ग्रामीणों की मदद से शव को निकाला गया तथा शव की शिनाख्त रतलाम के ही बिल्डी गांव की लीला 35 पिता ओंकार झोड़िया के रूप में हुई। मृतिका के भतीजे राकेश ने बताया कि लीला की 15 साल पहले शादी हुई थी, 1.5 साल बाद ही पति से अलग हो गई थी। पिता के घर पर भाई कांतिलाल झोड़िया के साथ रहती थी। सोमवार सुबह शिवगढ़ बाजार जाने का बोलकर निकली थी। मंगलवार सुबह सूचना मिली कि लीला की लाश मिली है, पति का भी निधन हो चुका है। मृतिका लीला के दोनों पैरों में 500 ग्राम चांदी के कड़े, 500 कंदौरा, पायजब व सांकली पहनकर निकली थी। जब शव मिला तब मृतिका के कड़े के अलावा अन्य आभूषण शरीर पर नहीं मिले, वही चेहरे पर दाढ़ी, कान व गर्दन पर चोट के निशान मिले हैं। जिस स्थान पर लाश मिली है वहां से मृतक का घर 15 किलोमीटर दूर है। पुलिस ने मर्ग कायम किया है व मामले की विवेचना शुरू कर दी है। आज के लिए बस यहीं तक, फिर मुलाकात होगी नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। निगम आयुक्त के निर्देश पर कसारा बाजार क्षेत्र में जर्जर मकान गिराने गए निगम अमले के साथ भवन स्वामी ने किया विवाद। माणकचौक थाने पहुंचे निगम अधिकारी, विवाद करने वाले के खिलाफ कराई रिपोर्ट दर्ज। स्वस्थ होने के बाद निगम कार्यालय पहुंचे महापौर प्रहलाद पटेल का निगम नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा, उपनेता प्रतिपक्ष कमरुद्दीन कछवाया के साथ अन्य कांग्रेसी नेताओं ने पुष्प गुच्छ भेंट कर किया स्वागत। शहर विकास एवं वार्डो में रुके हुए कार्यों को लेकर की चर्चा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के मंदिरों एवं हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचार व उनकी जान माल की रक्षा करने की मांग करते हुए राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम श्री सनातन धर्म महासभा ने सौंपा ज्ञापन। साथ ही शहर में रह रहे अवैध रूप से बांग्लादेशियों को शहर व देश से बाहर करने की मांग। अशोकनगर क्षेत्र के समीप निकलने वाले नाले की शासकीय भूमि पर कतिपय लोगों द्वारा किया जा रहा अतिक्रमण। क्षेत्रीय पार्षद सलीम बागवान द्वारा अतिक्रमण की शिकायत करने के बाद निगम आयुक्त ने किया क्षेत्र का निरीक्षण। मौके पर से ही अधिकारियों को अतिक्रमणकर्ताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाने के लिए दिए निर्देश।